सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर YouTube चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेकर आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4, व्हिच इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हिच वी हैड लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर, व्हिच इज लेक्चर नंबर आई थिंक 4, है ना? आई थिंक दैट लेक्चर इज 4, सो चेक कर लेना, है ना? आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। तो भाई पेन वाला धोखा ना दे दे बीच में, है ना? चलो मिंदा अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उसके पहले बंदे जो चैनल पर आए हैं नए, वो जाकर इस चैनल को जरूर से एक्सप्लोर करना। ट्रिग्नोमेट्री का हाफ ऑफ द कंटेंट से ज्यादा ऑलरेडी अपलोडेड है, अपलोडेड आपको मिलेगा इस चैनल पर, है ना? साथ ही साथ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार नजर मारते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या पढ़े थे? रेशियोज के बारे में, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच एंड एटसेट्रा। फिर हम लोग आए ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का ये हिस्सा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? इसमें आई थिंक आपको दो लेक्चर मिलेगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर आपको इसमें मतलब नहीं भी तो चार प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया हुआ है इसमें, है ना? यानी चार दो छह, मतलब आपके पास इनफ कंटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? इससे ही आपको एक लेक्चर अपलोडेड है, एक लेक्चर पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा और इस लेक्चर में प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 करके हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है? ये सॉरी ये 5 होगा, ठीक है? ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर कितना है? 5, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो सिर्फ इन दो चैप्टर के लिए मैंने 3 लेक्चर और 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना? तो इन अगर आप 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम को लगा लोगे और 2 लेक्चर को, तब क्या होगा इससे फायदा कि आप कोई भी, अगर आप कोई भी आप रैंडम बोर्ड में पढ़ते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स क्या नहीं मतलब ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड एटसेट्रा, जो भी बोर्ड हो, आप कोई सा भी क्लास 10th लेवल का रैंडम सा बुक निकालना, उसे उठाकर सॉल्व करना, आपसे सॉल्व हो जाएगा ये सभी वीडियोस को देखने के बाद, ठीक? और फिजिक्स का भी इसमें इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कंटेंट, तो जिसे देखना है जाके देख ले भाई, है ना? फायदा ही होगा आप लोगों का। तो हाँ, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो सबसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना, ये रहा कि ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज ए ट्रायंगल, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस सी बाय 2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। जैसे कि मैंने एक सवाल लिखा, उसे पॉज करो, पहले ट्राई करो, उसके बाद तो भाई हमें नहीं बताने के लिए, है ना? उसके बाद आप नहीं आ रहा है तो भाई आगे बढ़ो, तो पॉज करके ट्राई कर लियोगे। आते सवाल में अपनी तरफ से आप पॉज कर लो। तो ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी एबीसी इज अ ट्राइंगल, यानी हम जानते हैं ट्राइंगल, हम बचपन से पढ़ते हैं कि ट्राइंगल का हर एक एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। बचपन की बात है। अब B प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस ए, ए को हम लोग उधर भेज दिया, ठीक है? और यहां लोग पूछ रहा है बी प्लस सी बाई 2, तो इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2। किस लिए 2 का जरूरत पड़ा? क्योंकि यहां पे 2 हमें चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसे हम लोग थोड़ा बांट लेते हैं, 180 बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग और a बाई 2 लिख सकते हैं, है ना? तो 2 से इसे काटो 90, तो ये हो गया 90 माइनस a बाई 2, ये हो गया आपके पास किसका? b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू, समझ गए? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ट्राइंगल बोला है तो बचपन का क्या याददाश्त क्या है हमारा?
ये ट्राइंगल देखेंगे, तीन एंगल का सम 180, तो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। अब चाहो तो यहाँ पे इन चीजों का सदुपयोग कर सकते हो, है ना, इसे एंगल, ऐसे एंगल डिनोट होता है, ठीक है। यहाँ पे डिनोट नहीं किया हुआ है तो इसी के लिए मैंने किया नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब ए को मैंने उस तरफ ट्रांसफर किया भाई, क्योंकि बी प्लस सी, हम बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पे बी प्लस सी दिखाई दे रहा है। अब बी प्लस सी बाई टू का रिक्वायरमेंट है, तो दोनों तरफ हमने टू से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई टू, बोथ साइड डिवाइड करके हमारे पास इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा ना कि a माइनस बी बाई ए बी, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग, ए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, ताकि ये कट के ये बचता था, ठीक। ये बचपन का है प्रॉपर्टी। इस वैल्यू को ध्यान रखना, है ना। अब आते हैं हमारे जहां को पुट करना है वैल्यू, ठीक है। साइड में लिख लो b प्लस सी बाय टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाय टू, तो साइन b प्लस सी बाय टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बाय टू की जगह आप रख दो वैल्यू, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आंसर हो गया आपके पास कॉस ए बाई टू, ठीक है। सब नोट कर लेना, आते हैं अगले सवाल पे। अगर आपसे कोई भी सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को लिख कर प्रॉपर, है ना, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो ट्रिग्नोमेट्री का आप पूछ लेना वहां, मैं आपको पक्के से आंसर दे दूंगा, ठीक है, तो आपका डाउट भी सॉल्व होता रहेगा। चलो अगले पे आते हैं। दिया हुआ है इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड टैन ए इक्वल्स टू 3/4 देन द value of cot b, आपसे cot b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास 3/4 दे दो ऑप्शन, एमसीक्यू वाला तो आप अपना से ऑप्शन देख लो, है ना, चलो दे ही देते मन ए लिखो आप 3/4, बी लिखो आप 4/3, सी लिखो आप 3/5 और डी हमारा पहले का, ठीक। अब सवाल सॉल्व पे आते, सवाल में आते ना हिंट ढूंढा करो। देखो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी जहां हम लोग को 90 डिग्री मिले, जिस जगह ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको लेफ्ट राइट लेफ्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, परेड, है जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पहले बी को लेफ्ट सॉरी राइट, फिर ए को राइट, है ना, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। ये याद रखें ए प्लस बी जहां 90 मिले वहां से पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट आप करा लो, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टैन ए पर, टैन ए पर दिया हुआ है 3/4, ठीक है, तो टैन ए 3/4 ए की जगह हम लोग ये पुट कर दें, तो tan a हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b इक्वल टू 3/4, तो tan 90 माइनस थीटा इज cos थीटा cot थीटा सॉरी, तो cot b आ गया आपके पास 3/4, ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किए, सिर्फ ए को यहां आप लोग रिप्लेस कर दिए, ए को 90 माइनस बी से रिप्लेस किए, है ना। सीधा साधा सवाल है, रख करते हैं। अगला सवाल करते हैं।
सामने। या ट्रू और फॉल्स बता मुझे, द वैल्यू ऑफ तीसरा पद ये है ना, द वैल्यू The value of cos 53 degree, 54 degree and sin 36 degree is equal. ये आपसे मैं true और false पूछता हूँ, क्या ये दोनों value equal है? चलो बताते हैं, मुझे तो ये true लग रहा है ना, ये cos 54 degree है, इसको आप क्या कर सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस 36 डिग्री व्हिच इज sin 36 डिग्री, तो sin 36 sin 36 बराबर है, यानी ये स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है क्या ये और ये एंगल्स, ये cos 54 और sin 36 सेम है, तो लोगों ने इसे रिप्लेस किया और ये मिला। अब sin 36 से भी जा सकते थे, पहले आप sin 36 उतारते और उसे आप 90 डिग्री माइनस 54 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। दूसरा प्रूफॉल देते हैं हम लोग, प्रूफॉल ये सिंप्लीफाई द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इज 1, इसका आंसर दे दो जल्दी से, का आ गया होगा खाली ट्रू फॉल्स बता होता है, उसका करेक्ट आंसर भी लिख लेना है ना। तो देखो इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री और यहाँ आ गया पास कॉस 78 डिग्री, हमेशा दोनों में से किसी एक को हम लोग बदलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कॉस को बदल ले किया जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और यहां पे है कॉस, ठीक है, और दो चीज सेम मिला, दोनों का साइन अलग अलग है, तो काटने में तो भैया हम लोग पीएचडी किए हुए हैं ना, दोनों काट के जीरो लिखेंगे आंसर और ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब अगले बताते हैं ट्रू फॉल्स, मैंने इसलिए कराना क्योंकि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सारा चिंदी वाला था, है ना, किसी क्वेश्चन में दम नहीं था। अब देखोगे तो किसी क्वेश्चन में उतना दम था ही नहीं, मैंने आपको इसलिए करा था कि इस फॉर्मेट का अगर पूछ ले मतलब आना चाहिए, है ना, कैसे आंसर करें, इसको भी प्रॉपर बकायदा स्टेप में लिखा जाता है। अगला सवाल, कितना नंबर है, फाइव नंबर सवाल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेट अस शो दैट रूट ओवर साइन पी बाय कॉस क्यू माइनस साइन cos q equals to cos p sin p का भी होगा sin p minus cos p, ये दिखाना है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, तो जिसको पता है बेसिक पता है किसे क्लियर है, जो लेक्चर ध्यान से देखा है वो आराम से कर लेगा इस सवाल को। देखो सबसे पहला मेथड क्या था हमारा, लेफ्ट राइट मेथड, इसको आप उधर भेजो मतलब एंगल q equals to 90 minus P और मैं एंगल या सिंबल डाल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से लिख लेना P equals to 90 degree minus Q, ये लेफ्ट राइट हो गया अपना। अब LHS उतारते हैं, है ना, जब भी हमें प्रूफ करना था तो सबसे पहले LHS से शुरू करते हैं, अधिकतर बार आप RHS से भी जा सकते हो लेकिन RHS में मुझे लग नहीं रहा कि इससे आगे आप कुछ सिंप्लीफाई कर पाओगे, है ना, तो LHS से जाते हैं साइन पी बाय कॉस क्यू माइनस साइन पी कॉस क्यू। मुझे पता है यहाँ एक तो क्लू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना P के टर्म्स में मतलब Q का कोई जिक्र नहीं है,
है ना, आपको बदलते वक्त यहां ध्यान रखना है पी और क्यू को, क्योंकि आंसर में है तो ये आपका आंसर है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको प्रूफ करके बताना, यानी आपके एंड रिजल्ट एलएचएस आपका ये आना चाहिए। तो एंड रिजल्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉस पी है ना, कॉस क्यू नहीं है, मतलब क्यू का कोई टर्म ही नहीं है यहां, तो पी है यहां पे, तो सबको पी के मतलब पी में बदलेंगे, ठीक है, तो बदलते हैं पी में, यहां से बदलते हैं, ठीक है, तो ये रूट ओवर साइन पी को साइन पी रहने दो, कॉस 90 डिग्री माइनस पी है ना, क्यू को रिप्लेस कर दिया साइन 90 माइनस पी, यहां रख दिया, ठीक है, माइनस साइन पी कॉस 90 डिग्री माइनस पी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन पी बाई साइन पी वन हो जाएगा, ठीक है, साइन पी बाई साइन पी, ये कॉस 90 माइनस पी था, और यहां पे बचेगा साइन पी इंटू साइन पी, ठीक है, तो आप करो इसे कैंसिल, कट रहा है आपके पास, तो वन माइनस साइन स्क्वायर पी बच रहा है ना, और बचपन का फॉर्मूला ये हो जाएगा कॉस पी, ये मुझे लग रहा है ना यहां, यहां से जो यहां घूमे ना काफी कम ही पता होगा, साइन स्क्वायर पी वन माइनस साइन स्क्वायर पी, बचपन का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा का ले सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, वही चीज है यहां, ये आप यहां पे ढूंढने वाली बात थी कि भैया पी को पी पे देखना है, मतलब है ना, बस और क्या सवाल हो गया आपसे, कांग्रेचुलेशन, बचपन से चेंज करते हैं ना, पी के रिजल्ट चेंज करना था, तो साइन पी बाई कॉस क्यू, कॉस क्यू को हमने चेंज किया कॉस 90 माइनस पी पे, तो ये हो गया साइन पी, फिर यहां पे हम लोग कॉस क्यू था, कॉस क्यू को चेंज किया कॉस 90 माइनस पी, चेंज हो गया साइन पी, इन दोनों को काटे, इन दोनों को क्लब किए, तो साइन पी इंटू साइन पी इज साइन स्क्वायर पी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर पी इज कॉस पी, इस फॉर्मूला से, ठीक है, और थोड़ा अच्छा सवाल मिल जाए तो बढ़ते हैं आगे, है ना, सवाल नंबर 6, ए प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है, लेट अस शो दैट, लेट अस शो दैट 1 प्लस टैन ए बाय टैन बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, वन प्लस टेन ए बाई टेन बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, आपको प्रूफ करके बतलाना, तो बस शुरू करते हैं, सवाल में कुछ रखा हुआ है नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है, लेफ्ट राइट मेथड, ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट मेथड हो गया अपना, अब एलएचएस उतारते हैं, वन प्लस टैन ए बाय टैन बी, तो वन प्लस टैन किसी एक को, देखो यहां पे देखो ए है यहां पे, ठीक है, तो बी को भी हमें ए में करना है, ऐसा मत करना है कि ए को बी में करना, हमें आंसर किस में चाहिए, ए में चाहिए, तो टैन करते हैं टैन 90 डिग्री माइनस ए पे, तो ये हो गया वन प्लस टैन ए बाय कॉट ए, वन प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है, तो वन प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच इक्वल टू हेंस प्रूफ, दिक्कत यहां होगा, ऑफकोर्स यही होगा, बताते हैं किस लिए, है ना, मैं टी लिख रहा हूं और यहां पे सी, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू वन बाई सी, है ना, आएगा तो ये टैन को टी मान रहे, कॉस को कॉट को सी मान रहे, ठीक, और वन प्लस टैन और वन बाई कॉट क्या होता है,
tan का उल्टा cot, तो 1 by cot equals to tan equal to 1 plus p square. समझिए अब. अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल पे जो किसी ना किसी बुक में एक ना एक वैसा सवाल क्लास 10 का मिल ही जाएगा, कोई भी बुक हो. एक सवाल ऐसा होता ही. सवाल कुछ ऐसा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75. चलो ये भी आपसे बनता है, इसके बाद सवाल का है. इसका आपको वैल्यू निकालना है. tan 15 डिग्री इंटू tan 25 इंटू tan 60 इंटू tan 75. अच्छा tan 45 का हमें वैल्यू पता है, tan 60 का हमें वैल्यू पता है, ठीक है. बचा इन दोनों, इन दोनों का देखो मुझे लगा ना 15 और 75 कुछ क्लब करके 90 के 90 बन रहा है वैल्यू. तो चेंज करते हैं, tan को आप लिख दो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री पे, और इनटू ये होता है 1 और ये होता है रूट 3 इनटू tan 75 डिग्री. तो ये आपके पास cot 75 डिग्री इनटू 1 इनटू रूट 3 इनटू tan 75 डिग्री. tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. तो ये से ये 1 है ना, रूट 3 आपके पास आंसर. इसलिए सवाल में कुछ था नहीं. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है. दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो. इस क्वेश्चन को मुझे लगता है काफी जन नहीं समझ रहे हैं. देखो tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री करते करते 89 डिग्री तक आ जा गया, ठीक है. फिर से लिखते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू करते करते tan 89 डिग्री तक जाया गया. तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकाल कर बताना, ठीक है. तो अपन निकालेंगे आंसर कितना सीधा. देखो मुझे यहां पे दिखाना है 89 और 1. पहले इसको ऐसे लिखो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है. 89 के पहले 88 होगा, उसके पहले 87 होगा, यानी मतलब इसके डॉट डॉट में मतलब बहुत सारा नंबर ऐसे चलता गया, 3, 4, 5, 6 करते करते 1088, 1089 करते आ गया. अब देखो अगर हम लोग चाहे ना इस चीज को और इस चीज को क्लब कर सकते हैं. देखो क्लब करने से क्या होगा कि ये tan 2 डिग्री है और इसको हम लोग कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री. फिर हम लोग कर सकते हैं इसको और इसको क्लब कर सकते हैं, तो tan 1 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ठीक है. अब ऐसे करके आप बहुत सारे को ऐसे डॉट डॉट कर देना, ठीक है. एग्जामिनर समझ जाएगा, उतना आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप हरे हरे tan को लफ लिखते चलो, ठीक है. यहां आएगा tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan सॉरी cot cot 1 डिग्री करते करते डॉट. अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका और इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि इसका दोनों ऑपोजिट होता है और इसका वैल्यू 1 होता है ना. तो आप सीधा लिखोगे 1 इंटू 1 इंटू, इसके बाद का भी जो होगा ना वो ऐसा ही एक्सप्रेशन जनरेट करेगा. अब चाहो तो 3 का संग कर लो, 3 के संग. जैसे tan 3 डिग्री था आपके पास और tan 87 अगर आप क्लब करते तो ये हो जाता है 90 डिग्री माइनस cot 3 और ये होता है tan 3, ठीक है. उसी तरह सब कुछ होते चले जाएगा आपके सर.
ठीक है, इसको पहले मैं एक समझाने के लिए देखो, जैसे 189 के संग क्लब होगा, 2 88 के संग क्लब होगा, 3 87 के संग, 4 80 कितना हुआ है ना, 86 के संग, ठीक है। उसी तरह लास्ट में जो 45 बचेगा ना, वो किसी के संग क्लब नहीं होगा, ठीक है। उसको अगर आप देखोगे तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू बचेगा आपके पास। तो एक लास्ट में आपके पास बचेगा 10 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो सबका वैल्यू 1 और 10 1 का भी वैल्यू, 10 45 का डिग्री का भी वैल्यू होता है 1, तो 1 इज द आंसर, ठीक है। इजी सा है, अच्छा से रब करते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे एक और, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर, ऐसा ही होगा। हाँ अगला क्वेश्चन लगता है, cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू करते करते cos 90 डिग्री तक जाएगा, इसका वैल्यू बताओ। देखो cos 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, इसको लोग पहले उड़ा सकते हैं, क्योंकि 1 into something is something, 1 into ब्रैकेट में कुछ भी रहता था, इसको मान लो ब्रैकेट कंसिडर कर लो, कुछ भी रहता था, हम लोग ब्रैकेट लिखते थे, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो वही होगा, है ना। तो इसको हम उड़ा सकते हैं, इसको आप हटा दो, ठीक है। बचा क्या आपके पास, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू डॉट डॉट इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 0, 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 इज योर आंसर, 0 समथिंग 0 इज 0 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। सवाल ये बता, इफ साइन 10 थीटा इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा इक्वल्स टू टैन 10 थीटा इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा and 10 theta is positive acute angle, acute angle, then find the value of, then find the value of tan 90, ठीक है। इसका आपको वैल्यू बतलाना है, फाइंड। तो ये कह रहा है कि tan थीटा दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, क्या एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो हमको बोल रहा है tan 90 थीटा निकालकर बताना है, ठीक। इन दोनों का यूज करके ये वैल्यू निकालना, तो ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ वहां मैं 10 क्वेश्चन का एक और डीपीपी दूंगा, ठीक है। बस लास्ट, उसके बाद मेरे तरफ से ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी लेक्चर मतलब खत्म हुआ लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, तुमको एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में पहले इसका आंसर होगा इस सम्स का, और फिर 10 सम्स मैं आपको दूंगा वहां पे, है ना, जिसको आपको कर लेना है उसका मैं आंसर भी नीचे लिख दूंगा, आपको कंफर्म कर लेना। उसके लिए कोई भी क्लास नहीं होने वाला है,
ठीक है, ये मैं आपकी तरफ से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि उसमें सारे इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर बन गया तो बन गया है ना। तो फिर ठीक है, अगला जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो बी रेडी फॉर द न्यू टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्री ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा झलक देख लेते हैं। जैसे कि उसमें झलक में क्या है भाई, कि बोलेगा ना कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, मान लो रमन नाम का लड़का है और ये एक और बड़े बिल्डिंग को देख रहा है घनश्याम नाम का लड़का, ठीक है, हाँ घनश्याम बोला कि ये इसको देख रहा है कुछ मतलब समथिंग एंगल में, ठीक है, तो मान लो बोलेगा कि इसका बीच में सेपरेशन बताओ, ठीक है, या फिर बोलेगा कि ये की डिस्टेंस कितना है, मतलब मजा आने वाला है आप देखोगे, मतलब काफी आप रिलेट कर पाओगे दूसरे को, मतलब एक चीज को, है ना, अपने रियल लाइफ से। तो ये मैंने झलक दे दिया, मजा आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो अगली बार जब मिलेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, मजा आने वाला है, तो फिर आ जाना उस लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।